बोध गया। आज हम आ पहुंचे बुद्ध की धरती बोध गया। ये वही पावन धरती है जहां गौतम बुद्ध बने। मानो इस धरती का कण कण हमें यहां की इतिहास की गवाही देता हो। चल चल के हम लोग आ चुके हैं अब माया सरोवर में। चलिए हम लोग एंट्री करते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है ये। चलिए फिर घूमते हैं फिरते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं और फिर आते हैं। आ चुके हैं माया सरोवर के अंदर। यहाँ की एंट्री फी काफ़ी सस्ती है, सिर्फ 20 रुपये और काफ़ी अफोर्डेबल है। तो आइए, यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, पार्क है, बोटिंग भी कर सकते हैं, अच्छा अच्छा नेचर व्यू है। तो चलिए हम लोग भी मज़े लेते हैं और आपको भी मज़े करवा। इस पार्क में एंटर करोगे तो सबसे पहली चीज़ और बहुत खूबसूरत चीज़ जो आपको देखने मिलेगी वो है एक ओपन ऑडिटोरियम जैसा कुछ है, तो वो आपको दिखाते हैं पहले। तो चलिए, पार्क के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा व्यू दे रही है। और ये जो पीछे भाई साहब आपको दिख रहे हैं सेल्फी लेने, सेल्फी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हूँ, काफ़ी डरावना ये दिख रहे हैं। चलिए इसके मुंह से लेके पूंछ तक आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। घूमते घूमते हम लोगों को पार्क में एक ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और साधारण सी मूर्ति भी देखने को मिली है। वो कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज़ द मेन ब्यूटी। तो ये काफ़ी कैमरे में भले ही ये आपको ज़्यादा खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा आपको आकर्षित ना लगे, पर ये काफ़ी आकर्षित लग रही है ये मूर्ति। आप यहाँ आएँ तो ज़रूर यहाँ पर जो भी करना है, फोटोग्राफी या फिर घूमें फिरें, ज़रूर आएँ। तो अभी इसके बाद तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ हमें जो सबसे पहली चीज़ जो दिखी है वो है एक बोर्ड लगा हुआ है, बोटिंग टॉयलेट और लाइट साउंड। तो चलिए पहले देखते हैं कि बोटिंग जो लोग कर रहे हैं उनको देखते हैं और कैसा यहाँ का व्यवस्था है, कितनी फी है, सब आपको बताते हैं। चलिए, पार्क में घूमते घूमते और अच्छे अच्छे दृश्य को देखते देखते एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखने को मिली है। ये पीछे हमारे बोटिंग हो रही है, काफ़ी बड़ा ये पॉन्ड है। तो पॉन्ड नहीं है, सरोवर है, क्योंकि इसका नाम ही सरोवर। पॉन्ड को हिंदी में एक सरोवर ही कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये लोगों देख के फिर से मुझे वो बोटिंग करने की इच्छा हो रही है, पर मुझे पता चला मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपको हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया नहीं, उसे पैसे की कमी कहते हैं पगले। तो जब भी पैसे होंगे, जब भी हम अमीर होंगे, बोटिंग ज़रूर करने यहाँ पे आएंगे। आप आइए, आप अमीर होंगे और फिर आएंगे। घूमते घूमते यहाँ हमें बहुत ही एक अद्भुत सी चीज़ मिली है। तो इसे काफ़ी लोगों से हम लोगों ने पूछा कि ये है क्या, बहुत ही अजीब सी चीज़ है। तो इसे सब लोगों ने कहा कोयले का कप है, कप ऑफ कोल। तो चलिए कोयले के कप में थोड़ी सी तो देख लिए, बहुत सारी फोटोज़ भी खिंचवा लिए। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जब यहाँ आएंगे तो फोटो ज़रूर यहाँ पे खिंचवाएंगे और बहुत ही मज़ा आ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब दिखाते हैं हम लोग आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग फन एरिया, फन एरिया बच्चों के लिए। सारे यहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए मिक्की माउस स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स हैं, यहाँ पे जंपिंग है। पर यहाँ पे तो, पर यहाँ हर चीज़ के लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा, टिकट में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, जो चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगी। इसी माया सरोवर के अंदर एक फूड कोर्ट है, कैंटीन भी कह सकते हैं, पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा लूट मार मरी। आप जरा मेन्यू की तरफ देखें, इधर मेन्यू की तरफ देखिए, 10-10 रुपए की तवा रोटी है। ये देखिए, मैं ज़्यादा तो यहाँ पे करूँगा नहीं, पर मैं कहूँगा अगर खाना हो तो घूम के बाहर जाके खाइए, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा खाना ही मिलेगा। यहाँ का खाना बहुत ही ख़राब है, हम लोगों ने कुछ चीज़ें टेस्ट की है, पर
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ से लूटा मारी हो रही है, यहाँ बिल्कुल मत खाइए। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए झूला भी लगा पड़ा है, तो आप यहाँ आके झूला भी ले सकते हैं। और बोटिंग की फ़ीस मैं आपको बता दूँ, बोटिंग पर पर्सन 30 रुपीज़ यहाँ लिए जा रहा है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन रेट है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ के फ्लावर्स, बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल है, पर हम लोगों को तो इसका नाम भी पता नहीं है, तो आप भी देखिए और इन्जॉय करिए। खूब घूम के थक जाएंगे, तो मिस्टर सोफा आपकी सेवा में हाजिर है, आइए आराम से बैठिए, हम लोग भी बैठे हुए हैं। ये देखिए बहुत मज़ा आया घूम के यहाँ, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।